नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने MDA से प्रस्तावित करोड़ों रुपए की सड़कों का शिलान्यास कर प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों का प्रकाश डाला। मुजफ्फरनगर के विकास प्राधिकरण से बनने वाली कई सड़कों का शिलान्यास नगर विधायक व प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया, जिनमें साकेत की मुख्य सड़क, रामपुरी, आनंदपुर की सड़कें आदि शामिल रही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रही है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भाजपा के केंद्र और राज्य की सरकार विकास के रास्ते पर चल रही है। भारत में प्रतिदिन बड़े बड़े हाईवे, सड़कों, मार्गों का निर्माण हो रहा है और हर गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान मिला है। देश की जनता रामराज की अनुभूति कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। साकेत ब्रह्मपुरी की जो मेन रोड है और यहाँ से लेकर के सर्वर फाटक तक, इसमें बहुत सारे परिवार, बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग, एडवोकेट्स, व्यवसायी, 3 वार्ड इसके अंदर पड़ते हैं। ये सड़क बहुत लंबे समय से टूटी हुई थी। यहाँ तलसी वर्मा जी हमारे राजेश पार्षद हमारे अध्यक्ष हैं, शिवराज त्यागी जी हमारे पार्टी के समस्त पदाधिकारी, इन सब का बहुत प्रयास था। अमित जी खड़े हैं कि सब लोग मिलकर के इसको बनवाने का प्रयास था। आज ये स्वीकृत करा करके इसका शुभारंभ हो गया है, कार्य पर शुभारंभ हो जाएगा। लगभग 78 लाख रुपये की सड़क है और पूरी सीधी रोड है, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा निश्चित रूप से मोहल्ले वालों के सबके प्रयास को। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र भी है और यहाँ की प्रत्येक लोग, प्रत्येक वोट, ये हिंदू के नाते, भारतीय जनता पार्टी के नाते, राष्ट्रवादी होने के नाते केवल और केवल भाजपा को वोट करते हैं। इधर बहुत कृपा इन सब की है कि हमको इन्होंने विधायक बनाने का मौका दिया और हमारी जिम्मेदारी है कि इनको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो परेशानी ना हो, तो इसलिए सड़क का निर्माण आज ये शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पंजाब सरकार का पुतला दहन किया गया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक रोके जाने के विरोध में मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने पंजाब की चन्नी सरकार और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक करतूत है और इस पर राष्ट्रपति को एक्शन लेते हुए पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस सरकार का पुतला फूंका है। किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? ये हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी को रोका गया है पंजाब जाने से, उसकी निंदा हमने की है। वहीं जाने के रोक, हमारे यशस्वी प्रधान इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जो आज की उनके साथ साजिश भी कही है। सही कह रही है हमारी बहन, उनके साथ साजिश करी है, वहाँ जाने से रोका गया। इसी विषय में हम अपना पुतला फूका गया हमने कांग्रेस सरकार का। ये तो कह रहे हैं कुर्सी वहाँ पे खाली पड़ी थी, कोई लोग नहीं आया था, इसलिए प्रधानमंत्री। ये साजिश है, ये सब साजिश है, ये सब साजिश है। कुछ कुर्सी खाली नहीं थी। पंजाब सरकार इसमें है, वो है, पंजाब सरकार का हाथ है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुनहगार है। ये आज जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस सरकार का पुतला फूंका गया है। पंजाब में जिस प्रकार की निंदनीय घटना हुई है, माननीय प्रधानमंत्री, वो केवल हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो उनके भी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, ये 100% केवल एक साजिशन उनके जो है तहत है, साजिश के तहत ये कार्य हुआ है। उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कांग्रेस सरकार ने इसमें कहीं ना कहीं साफ साफ इंटेंशन दिखाई देती है। एक षड्यंत्र के तहत माननीय मोदी जी का रास्ता रोका गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसी घटना हो रही है, अगर देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो एक आम व्यक्ति का क्या इसमें सुरक्षा कांग्रेस सरकार दे पाएगी? क्या जनता इस प्रकार कांग्रेस पर विश्वास कर पाएगी? आप लोग किस तरह का रोष है वहां को देखते हुए? यहाँ पूरी तरह से रोष है, जो चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी से माफी मांगे, देश से माफी मांगे, मोदी जी से नहीं, देश से माफी मांगे। वो देश के प्रधानमंत्री है, आम जनता के प्रधानमंत्री है। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला उत्तरी रामपुरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार का पुतला फूंका। मुजफ्फरनगर के उत्तरी रामपुरी में क्षेत्रवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोके जाने के विरोध में सोनिया गांधी और राहुल गांधी व कांग्रेस का पुतला दहन किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले पर हमला निंदनीय है और इसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने राष्ट्रपति से कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और साथ ही साथ सभी के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की भी मांग की। ये प्रदर्शन हमारे 130 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री के लारे जो है कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया, बहुत बड़ा विश्वासघात किया। अगर पंजाब में मतलब एक देश के प्रधानमंत्री के और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो विदेशों में भी छाए हुए हैं, और उनके लिए पंजाब में
जो ऐसी घटना हुई तो आम जनता का वहाँ क्या होगा? आम जनता का तो वहाँ कोई वो ही नहीं है। क्या क्या मानते हैं इसको? ये तो बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ी। इसमें किसकी त्रुटि रही है, किसका इसमें? इसमें तो ऐसा है ये कांग्रेस वालों की चाल है, पैसा देकर करवाया गया। अभी पेपर में भी था कि 80 लाख रुपए दिए हैं वहाँ, तो कांग्रेस वाले ने 80 लाख रुपए देकर जो है ये वहाँ भीड़ थी और जो है इस प्रकार से मतलब रोड जाम था, इसलिए जो है व्यवस्था नहीं हो पाई। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, कांग्रेस बरगड़ा रही है, ये सब कांग्रेस की पहले से ही करती हुई कांग्रेस, तो पहले से ही जो भी उठाया जो है उसे जो है मरवा दिया गया। ये तो उसका भगवान का साथ था, उन पर भगवान की कृपा थी। योगी मोदी जी एक भक्त है तो उनकी कृपा थी, इस वजह से उनकी जान बच गई। उन्होंने उनके जो है बम से उड़ाने की जो है पुल को उड़ाने की जो है वो करीब कि तले पुल के तले कुछ भी हो सकता था, पुल के ऊपर वे थे फ्लाई ओवर के और तले जो है जनता भी थी। ये आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो पंजाब के अंतर्गत जो विषम घटना घटी है, जो कांग्रेस की पूर्ण नियोजित लगती है और लगती नहीं है, ऐसा एहसास होता है कि कांग्रेस ने जो इसको जानबूझकर ऐसा ये प्रोपगंडा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रचा था। हाई कोर्ट ने भी आज इसमें आदेश किया है, उसमें टीम गठित की गई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में कहना ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के किसी भी प्रोग्राम को जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिधर भी दौरा होता है वहाँ पर ये व्यवस्था करने का दायित्व जो है उस प्रदेश सरकार का या बनता है, जबकि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने जानबूझकर जो इस प्रेम कुंडे को जो रचा है। चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के बाद जानसठ कस्बे में नगर पंचायत व प्रशासन द्वारा राजनीतिक होर्डिंग्स हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही पुलिस व प्रशासन हरकत में आ गया है, जिसके चलते सार्वजनिक स्थान बिजली के खंभों से राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स व पोस्टर हटवाने शुरू कर दिए गए हैं। शनिवार की शाम प्रदेश में आचार संहिता लगते ही SDM जयेंद्र कुमार आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए कस्बे के पानीपत खटीमान राजमार्ग से लेकर कस्बे के ग्रामीण क्षेत्रों से सार्वजनिक स्थान व बिजली के खंभों पर लगाए गए राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और पोस्टर हटवाने शुरू कर दिए। नगर पंचायत की टीम के द्वारा कस्बे से सभी हटवा दिए गए। हालांकि कस्बे में तहसीलदार संजय सिंह व नायब तहसीलदार जसविंदर सिंह के द्वारा नगर के खंभों व सार्वजनिक स्थानों पर लगी होर्डिंग्स को उतरवा दिया गया, तो वहीं प्रदेश में शाम के समय आचार संहिता लगा दी गई तथा चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में चुनाव अलग अलग चरणों में 10 फरवरी 7 मार्च तक होंगे और मतगणना 10 मार्च को होगी। आज माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता का सूचना जारी कर दी गई है, उसी के तहत जानसठ तहसील के अंतर्गत जानसठ नगर पंचायत क्षेत्र के कर्मियों के साथ राजनीतिक दलों संबंधी जितने भी होर्डिंग हैं उनको उतराया जा रहा है। 24 घंटे के अंतर्गत सभी जानसठ तहसील के अंतर्गत सभी होर्डिंग राजनीतिक दलों संबंधित जो बैनर झंडे सबको उतारने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि जिला अधिकारी महोदय द्वारा आदेश किया गया। सर, जैसे एक क्वेश्चन हमारा, किसी पार्टी का झंडा लगा हुआ है तो क्या उसको आचार संहिता लागू नहीं होती? नहीं नहीं, पार्टी के झंडा सिंबल जो भी है उससे चुनाव से संबंधित वो सबको उतारे आचार संहिता लागू सभी को। आपके द्वारा अभी होर्डिंग उतारे जा रहे हैं और उसमें आपने जो है पीछे दो भाजपा के झंडे लगे हुए हैं वो छोड़ पाए? नहीं नहीं, छोड़े नहीं है, वो उतरेंगे, हाइट ज़्यादा है उनकी, जैसे इधर से जाएंगे जब उतारे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के बाद सहारनपुर जिले में भी प्रशासन द्वारा राजनीतिक होर्डिंग्स हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया। प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही CO सेक्रेटरी नीरज सिंह और थाना जनकपुरी प्रभारी अविनाश गौतम ने थाना जनकपुरी क्षेत्र में जनता रोड पर राजनीतिक पार्टी के होर्डिंग्स और बैनर को उतरवा दिया। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जहां उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है, तो वहीं सहारनपुर के थाना जनकपुरी प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ थाना जनकपुरी क्षेत्र में सभी विभिन्न पार्टियों द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स और बैनर को उतरवा दिया। इस दौरान टीपी नगर चौकी प्रभारी विकास यादव, राकेश केमिकल चौकी इंचार्ज नितिन कुमार, पुलिस कर्मचारी आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के केवलपुरी पहुंचे पूर्व सांसद राजा रामपाल का जोरदार स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद राजा रामपाल अखिलेश यादव जन संदेश यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद में हर मंडल पर जा रहे हैं।
उसी क्रम में यह यात्रा लेकर सांसद जनपद मुजफ्फरनगर में पहुंचे थे। यात्रा का स्वागत जगह जगह कडरिया धनगढ़ समाज के द्वारा किया गया। कच्ची सड़क केवलपुरी मंदिर में मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने की और संचालन विनय पाल प्रमुख के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हरेंद्र पाल, शरद पाल, राजेंद्र कुमार, मोनू पाल, गुलजारी लाल पाल, सचिन पाल, राम निवास पाल, पवन पाल, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी युवजन सभा अमरनाथ सिंह, प्रभारी विधानसभा पुरकाजी रमेश चंद पाल, जिला अध्यक्ष पाल, महासभा मुजफ्फरनगर आदि मौजूद रहे। जहाँ तक धनगढ़ समाज की बात है, धनगढ़ समाज के सर्टिफिकेट दिलाने के लिए इस समय मौजूदा में केंद्र और प्रदेश दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी और हमें लगता है पिछले 2019 और 2017 में इस पाल समाज ने इस आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि वो निश्चित तौर पर अगर अमेंडमेंट करना पड़े, अगर केंद्र में अमेंडमेंट करना पड़े तो धनगढ़ का सर्टिफिकेट जारी कराने का काम करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी करने का काम नहीं करती। इसलिए निश्चित तौर पाल धनगढ़ समाज को ये उम्मीद है कि आदरणीय अखिलेश जी के आने के बाद ही एक हफ्ता तब होगा जब धनगढ़ सर्टिफिकेट पूरे उत्तर प्रदेश में जारी करा दिए जाएंगे। देखिए, आज हमारे अखिलेश संदेश यात्रा लेकर के हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भूतपूर्व सांसद आदरणीय राजपाल जी हमारे बीच आए हैं। हमारे जनपद में मैं जनपद अध्यक्ष होने के नाते उनका स्वागत भी किया है और उन्होंने विशेष से हमारे पाल धनगढ़ समाज के लोगों को जागृत करने के लिए और सब लोग जो अति पिछड़े समाज के हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बहकाने का काम किया है उनको सच्चाई बता करके आपको रोजगार परक पार्टी समाजवादी पार्टी जो आपके बच्चों को रोजगार देने का काम करेगी, राजनीतिक रूप से सम्मान देने का काम करेगी, उस पार्टी से जोड़ने के लिए वो आज जनपद मुजफ्फरनगर में आए हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे पाल धनगढ़ समाज के लोग यहाँ हैं। मुझे विश्वास है कि आदरणीय एमपी साहब के आने के बाद 2022 का जो हमारा चुनाव एक महीने बाद होने जा रहा है उसमें हमें बड़ा लाभ होगा और उनके तजर्बे से, उनके राजनीतिक अनुभव से हम लाभ उठाएंगे और यहाँ जनपद में और बेहतर तरीके से काम करने की प्रयास। खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव खानूपुर में सड़क बनने से पहले ही लोकार्पण प्लेट लगाए जाने का युवाओं ने जमकर विरोध किया। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव खानूपुर में 6 माह पूर्व शुरू हुए सड़क निर्माण के कार्य भी पूरा भी नहीं हुआ था कि उसकी लोकार्पण प्लेट लगानी शुरू कर दी गई, जिसका क्षेत्रवासियों ने जमकर विरोध करते हुए लोकार्पण प्लेट के कार्य को रुकवा दिया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि खतौली विधानसभा में कोई भी कार्य नहीं हुआ है और अधूरे पड़े कार्यों पर लोकार्पण प्लेट लगाई जा रही है जो कि काफी शर्मनाक करतूत है। उन्होंने कहा कि जब तक क्षेत्र में काम पूरा नहीं होता तब तक कोई लोकार्पण प्लेट नहीं लगाई जाएगी। ये मामला ये था कि हमारे यहाँ पे 5 महीने लगभग पहले जो है RCC रोड बनी थी गांव की, 8 साल बाद जब यहाँ जर्जर हालत थी तो उसके बाद ये रोड बनी और ये भी सोसाइटी से बनी PWD के अध्याधीन आदेश के तहत। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ठेकेदार आधा काम करके अपने घर चला जाता है। हमारी उसके बाद जैसी बात होती है ठेकेदार से, एक्शन और जेई से, तो बोलते हैं कि हमने बोल रखा है इसका कार्य जो है हम तुम्हारा जल्दी से जल्दी करा देंगे। अभी यहाँ पे हमारा 6 महीने हो चुके हैं, कोई कार्य संपूर्ण नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि बालियान जी की तरफ से भाजपा मंत्री जो हमारे यहाँ केंद्र से, उनके नाम की एक प्लेट आती है लगने के लिए कि इस रोड का जो निर्माण हुआ है उसमें जो खर्च आया है वो 25,65,000 रुपये आया है। अगर बाली फिर वही बात आती है, क्योंकि मैं किसान यूनियन अध्यक्ष हूँ गांव खानूपुर से, कि यूनियन वाले हर जगह लड़ते हैं। अब यूनियन वाले किस चीज़ में लड़ रहे हैं, अगर कार्य पूरा करा दें तो हमें बालियान जी की कोई प्लेट लगने से यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। तो हमारी जो है मांग यही है कि हमारा पहले रास्ता क्लियर स्वच्छ करा दिया जाए, उसके बाद हमारे गांव की थोड़ी सी हालत देख की जाए हर रास्ते की, हर तरीके से, और उसके बाद अगर बीजेपी अपना यहाँ पे कोई भी अपना कार्यक्रम कुछ भी करना चाह रही है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो यही कहना है। और एक बार अपना देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आला अधिकारी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है ग्राम खानूपुर की। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं जो अपना यहाँ पे हमारा रास्ता है वो कम्प्लीट किया जाए। यहाँ पे किसी की शादी है, कोई भी समारोह है, उसमें जो भी लोग आते हैं अपना यहाँ पे नुकसान हो जाता है, किसी की गाड़ी उतर जाती है 1.5 फुट ऊंची है, कोई आगे से टूटती है कोई पीछे से। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में चल रहे NCC के 5 दिवसीय शिविर का समापन हो गया।
एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण कैंप का समापन हो गया। 82वीं यूपी बटालियन एनसीसी मुजफ्फरनगर के तौरान में राज के इंटरकोली में चल रहे एनसीसी के 5 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण कैंप का समापन हो गया। कैंप में विभिन्न स्कूल कॉलेजों के लगभग 285 गर्ल्स व बॉयज कैडेट्स ने प्रतिभाग किया था। इस दौरान कैडेट को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। शुक्रवार को कैंप का क्लोजिंग एड्रेस करते हुए कैंप कमांडेंट कर्नल सुगंध शर्मा ने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण अनुशासन का मुख्य आधार है। जल थल वायु सैन्य स्कंद में विभिन्न तरीकों से एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षित किया जाता है। एनसीसी भाषा जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्रवास के भेदभाव को मिटाकर सौहार्द सहानुभूति सामंजस्य सहयोग मानवता प्रेम और भाईचारे की भावना को विकसित करता है। देश की द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में एनसीसी आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सीमावर्ती राज्यों में प्रशिक्षित कैडेटों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि देश की सीमाओं की रक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। ये कैंप चला है 3 तारीख से 7 तारीख तक, जो 5 दिन का कैंप था और ये सिर्फ दिवसीय कैंप था। इसमें 280 बच्चों ने भाग लिया है, साथ ही 3 ऑफिसर और 3 ANOs भी इन्वॉल्व थे और हमारा PI स्टाफ जो करीब 17 था। इसमें बच्चों ने जो बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में इस साल अपीयर करेंगे उनके लिए यह मैंडेटरी कैंप था, क्योंकि हमारे अन्य कैंप जो 10 दिन के होते हैं और रात्रि कैंप भी होते हैं वो कर नहीं पाए। तो इस वजह से जो बचे हुए बच्चे थे उन्होंने ये कैंप अटेंड किया है और अब ये बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और साथ में इनको उसका जो बी सर्टिफिकेट पास करके जो फ़ायदा होता है। सहारनपुर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचे समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। सहारनपुर के जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर के सरकारी भवन कार्यालय पर भाजपा द्वारा जो विज्ञापन लगाए जा रहे हैं क्या वह सूचना व जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं या नहीं। वहीं जो विज्ञापन लगे हैं उसमें जो लाल टोपी लगाए नेता या कार्यकर्ता दिखाया गया है उसका नाम भाजपा उल्लेखित करे, क्योंकि यह समाजवादी पार्टी के विरुद्ध दुर्भावना का संकेत है। उन्होंने विज्ञापन में 2 अन्य व्यक्ति एक अधिकारी भी दिखाया है उसका नाम भाजपा उल्लेखित करे, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश सिस्टम में कार्यरत अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। सहारनपुर के बेहट कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मिर्जापुर रोड पर निर्माणाधीन गुरुद्वारे के सामने सिंचाई विभाग के खंडर से छापेमारी की, जहां पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलती पाई गई, जहां से पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम सरवर पुत्र इदरीश निवासी झिंझाना शामली और पंकज पुत्र संजय निवासी अंबेटा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर है, जिनके कब्जे से पुलिस ने बने अधबने और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। शामली के कस्बा जलालाबाद में स्थित पंजाब नेशनल बैंक परिसर में आधार कार्ड सेंटर पर उमड़ी भीड़ ने जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। शामली जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक परिसर में आधार कार्ड सेंटर खुला हुआ है, जिसमें प्रतिदिन आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड संचालक के साथ रोज छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा ही मामला आज फिर देखने को मिला। जलालाबाद के भास्कर मंडी निवासी निशु जो एक NGO चलाते हैं उन्होंने आधार कार्ड सेंटर के संचालक पर आरोप लगाते हुए कैमरे के सामने बोलते हुए कहा कि वह और उसकी पत्नी पिछले 21 दिनों से लगातार आधार कार्ड बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड सेंटर संचालक आधार कार्ड बनवाने के नाम पर टोकन प्रक्रिया का हवाला देता है, जिस कारण 21 दिनों से टोकन नहीं मिल पाया और उनका आधार कार्ड नहीं बन सका। NGO स्वामी निशु ने जिलाधिकारी से भी फोन पर आधार केंद्र संचालक की शिकायत की। वहीं आधार कार्ड संचालक कैलाश निवासी बघरा का कहना है कि प्रतिदिन 49 कार्ड बनाने का टारगेट है, लेकिन आधार कार्ड बनवाने वालों की होड़ ने व्यवस्था चौपट कर रखी है, जिससे रोज 30 से 35 आधार कार्ड बन पाते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लोगों में आपाधापी रहती है। बैंक परिसर का स्थान छोटा होने से बैंक में भी भारी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में होने से शाखा में ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।